गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आज पर्वतीय क्षेत्रों के आंतरिक भागों से लेकर मेट्रो सिटी तक 7,499 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों पर 1,400 से अधिक दवाइयां एवं सुविधा पैड और सिरिंज जैसे 204 प्रकार के सर्जिकल उपकरण बाजार की तुलना में 50-90% कम दाम में मिल रहे हैं एवं प्रत्येक दिन तकरीबन 10 लाख मरीजों को सस्ती दवाइयां प्रदान करके पिछले 6 वर्षों में जरूरतमंद लोगों के 9,000 करोड़ रुपए की बचत हो पाई है। कम दाम पर मिल रही दवाइयां गुणवत्ता में काफी आगे है क्योंकि यह दवाइयां सिर्फ WHO GMP सर्टिफाइड दवा निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जांच करने के बाद ही इसे भारतीय जन औषधि केंद्र पर पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता और महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति व जनजाति, उत्तर पूर्वी राज्य व पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2014 से अब तक केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है और दवाइयों की बिक्री में भी उल्लेखनीय प्रगति मिली है। इसी उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरे जन औषधि दिवस के अवसर पर 7,500वां जन औषधि केंद्र शिलांग और देश के नागरिकों को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभर रहे हैं। सस्ती दवाइयां हर एक नागरिक को निरोगी बनाएगी और 7,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाएंगे स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत।